देश में उपचुनाव होने से पहले बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी खुद अपनी पार्टी के नेताओं पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। सबसे पहले यूपी के मुजफ्फरनगर सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हार के बाद उनके और बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी। अब ताजा मामला भी यूपी के सलेमपुर लोकसभा सीट और झारखंड की दुमका सीट से सामने आया है, जहां सलेमपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव हारे रविंद्र कुशवाहा ने अपनी हार के लिए बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय यादव और राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। तो झारखंड में दुमका लोकसभा सीट से चुनाव हारी बीजेपी की उम्मीदवार सीता सोरेन ने भी खुलकर कहा कि उन्हें भाजपा के लोगों ने ही लोकसभा चुनाव में हरवाया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी नेताओं की अंतरकला सामने आई थी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं के जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उससे पार्टी की ही किरकिरी हो रही है और ऐसा करते वक्त वे पार्टी के अनुशासन की भी फिक्र नहीं कर रहे हैं। बता दें कि सलेमपुर सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके रविंद्र कुशवाहा को इस बार बेहद नजदीकी मुकाबले में सपा के उम्मीदवार रमाशंकर राजभर ने 3573 वोटों से हराया है। हार के बाद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि विजय लक्ष्मी गौतम ने चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगे। कुशवाहा ने बीजेपी के सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्वांचल में राजभर का कोई असर नहीं दिखाई दिया। वहीं रविंद्र कुशवाहा ने भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय यादव को सपा का एजेंट बताया तो पलटवार करते हुए संजय यादव ने कहा कि रविंद्र कुशवाहा ने 10 साल में इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि इतना नकार सांसद पूरे देश भर में मिल पाना बेहद मुश्किल है। इसी तरह झारखंड की दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी रही सीता सोरेन ने अपनी हार के लिए पार्टी संगठन के नेताओं को खुलकर जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू है। सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदल लिया था और वह बीजेपी में शामिल हो गई थी। भाजपा ने उन्हें दुमका सीट से टिकट दिया। जेएमएम के नलिन सोरेन ने सीता सोरेन को लगभग 23,000 वोटों के अंतर से हराया था। हार के बाद सीता सोरेन ने दुमका और जामताड़ा के भाजपा जिलाध्यक्षों के साथ ही पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी, विधायक रणधीर सिंह सहित पार्टी के प्रदेश महासचिव व राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सोरेन ने खुलकर कहा कि इन नेताओं ने उनके और पार्टी के साथ गद्दारी की है और ऐसे लोगों को अब झामुमो का झंडा पकड़ लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के 2 बड़े चेहरों पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सिंह सोम की जुबानी जंग से बीजेपी के अंदर खलबली बची हुई है। चुनाव नतीजों के बाद संजीव बालियान ने संगीत सिंह सोम पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करने का आरोप लगाया था। संजीव बालियान के हमले के बाद संगीत सिंह सोम भी खुलकर सामने आए और कहा कि बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता संजीव बालियान को पसंद नहीं करता था। बालियान ने पिछले 10 सालों में पार्टी के लोगों का काम नहीं किया। संजीव बालियान खुद सपा के समर्थक रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बालियान पिछली 2 बार से मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें सपा के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक से 24,000 वोटों से हार मिली है। वहीं दोनों नेताओं की लड़ाई को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व भी कई बार दखल दे चुकी है, लेकिन इन नेताओं की जुबानी जंग थमती नहीं दिख रही है। हाल ही में यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव होने हैं। इसमें भी एनडीए और इंडिया गठबंधन का आमना सामना का मुकाबला होगा, लेकिन नेताओं की खुलकर बयानबाजी से जूझ रही पार्टी इंडिया गठबंधन की जोरदार चुनौती का मुकाबला कैसे कर पाएगी। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने आरोप लगाया था कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने टीएमसी के साथ समझौता कर लिया, वरना बीजेपी राज्य में सबसे ज्यादा सीट जीत सकती थी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी अपनी हार के लिए पार्टी नेताओं के द्वारा उनके खिलाफ कही गई बातों का जिम्मेदार ठहराया था। आपको बता दें कि 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को कितनी लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ है। यूपी में बीजेपी को 2019 में 62 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका उत्तर प्रदेश में ही लगा है। इस बार 2024 में कुल 33 सीटें मिली थी, 29 सीटें गंवानी पड़ी। वहीं 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, इस बार 9 सीटें मिली है और 14 सीटें गंवानी पड़ी। ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2019 में 18 सीटें मिली थी और इस बार 12 सीटें ही मिल पाई और 6 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं राजस्थान में बीजेपी को 2019 में 25 में से 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार 11 सीटों का नुकसान हुआ है। बिहार में पिछली बार 17 सीटें मिली थी, इस बार 5 सीटों का घाटा हुआ। कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी को 2019 में 25 सीटें मिली थी, इस बार सिर्फ 17 सीटें मिली है और 8 सीटें गंवानी पड़ी है। वहीं जाटलैंड हरियाणा की बात करें तो 2019 में बीजेपी को 10 लोकसभा सीटों में से सभी सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 5 सीटें मिल सकी।